लोग फिर वेट करेंगे, इसको शुरू करेंगे। ठीक है, मैं कर रहा हूँ कि लाइव टेली करके, तो थोड़ा सा वेट अपनी तरफ से कुछ आपको आवाज आ रही है प्लीज आप एक बार ये बता दीजिए, तो बता दीजिएगा। ठीक, आप लोगों को मेरी आवाज आ पा रही, मेरी आवाज सुन पा रहे आप लोग? मेरी बेटा आवाज सुन पा रहे हो तो प्लीज रिप्लाई करो। ठीक है, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो बेटा आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो? पहले ये बता दो कि स्क्रीन में क्लैरिटी है कि नहीं है। सबको गुड आफ्टरनून है बेटा, पहले बताओ स्क्रीन में क्लैरिटी है कि नहीं है, या मैं नेटवर्क चेंज करूं? स्क्रीन में क्लैरिटी है या मैं नेटवर्क चेंज करूं? और हर कोई ये क्लास लगा सकता है, कोई भी ये क्लास लगा सकता है। ठीक है, ये क्लास कोई भी लगा सकता है, पर पहले बताओ मैं स्क्रीन जो है वो क्लियर नहीं है तो मैं आपका जो नेटवर्क है वो चेंज करूं। कोई भी ये क्लास लगा सकता है, क्लास की कोई टेंशन नहीं है, कोई भी लगा सकता है इसको। तो आप सब थोड़ा वेट करना, फिर मैं जो स्क्रीन को है वो ठीक कर देता हूं पहले। ठीक है, मैं कर रहा हूं चेंज। हाँ वेट करो, मैं कर रहा हूं चेंज। ठीक है, मैं कर रहा हूं। ठीक है, वेट कीजिएगा। सिर्फ 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। ठीक है,
हाँ, श्रेष्ठ प्लीज वेट करो, मैं नेटवर्क को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? अभी नेटवर्क चेंज करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा पर, ठीक है? मैं तब तक आप लोगों से मैं क्विज पूछता हूँ, ठीक है? तब तक हम लोग क्विज करते हैं, ठीक है? मेरी आवाज तो आई रही ना आप लोगों को, चाहे मैं नेटवर्क ठीक कर रहा हूँ, मेरी आवाज तो आई रही है। तो पहला क्विज आपका पूछते हैं, चलो आंसर करो। ऐसी पहली कौन सी इंडियन स्टेट है जो कोरोना वायरस फ्री हो गई है, बताओ फिर। ऐसी कौन सी पहली इंडियन स्टेट है जो कोरोना वायरस फ्री हो गई है, चलो बताओ। देखते हैं पहला आंसर किसका आता है। अच्छा, पहली गोवा है ना, फिर दूसरी बताओ कौन सी, दूसरी कौन सी, दूसरी कौन सी स्टेट ऐसी। अच्छा, दूसरी बताओ, दूसरी दूसरी कौन सी। सेकेंड स्टेट, चलो जल्दी आंसर करो, सेकेंड स्टेट। किसी को नहीं आता सेकेंड स्टेट, पहली आती है, सेकेंड नहीं आती किसी को भी। वेरी गुड, तो कनिका का आंसर आ गया है, कश्मीर, कश्मीर का आंसर आ गया, और नेहल का भी आंसर आ गया है, मणिपुर। जब तक मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ ना, तब तक तो देखते हैं कौन कौन ज्यादा से आंसर कर पाता है, और आज का जो विनर है वो अनाउंस होगा, कौन है विनर, देखते हैं, ठीक है? सबसे पहले आंसर इसका पहला गोवा आंसर आया था, रचित का पहला आंसर, फिर कशिका का आया मणिपुर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन बड़ा इजी है, ध्यान से दिमाग लगा के आंसर कीजिएगा, ठीक है? जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डेट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, सीबीआई कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री। चलो देखते हैं कौन आंसर सही करता है, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट आई होप आप सब कर लोगे। सीबीआई कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, चलो देखते हैं कौन आंसर करता है। सीबीआई कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, मैं वेट कर रहा हूं लोग आंसर का, देखते हैं कौन सा कर पाता है, बिना सर्च किए कौन आंसर कर पाता है। सीबीआई कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, एक आंसर आया होम मिनिस्ट्री, एक आंसर आया होम मिनिस्ट्री, फिर आया होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, वो सेम बात हो गई, ठीक है? होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, सारे होम पे रहे हैं, देखते हैं कौन एक अलग आंसर और सही आंसर लेके आता है। पारस, तुमसे ही उम्मीद नहीं थी, तुम्हारा भी आंसर गलत है, जितने अभी तक आंसर आए हैं सारे गलत हैं, जितने आंसर हैं सारे गलत है, जितने आंसर दिए आप लोगों ने सारे गलत हैं, किसी का आंसर सही नहीं है। अभी भी सोच लो, नाउ स्क्रीन क्लियर, करें शुरू आज। वेरी गुड, स्क्रीन इज क्लियर नाउ। पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन के अंदर आती है, डेट कम्स अंडर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? तो सीबीआई याद ना, पेपर में सारे लोग गलती करके आते हैं, आप लोग नहीं करेंगे क्योंकि आप पढ़ के जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आज के आपके सामने है,
ऐसा कौन सा स्पीशीज है जिसका नाम रखा गया है आफ्टर लेडी गागा? लेडी गागा आप जानते होंगे उनको, ठीक है, किसका नाम, किस स्पीशीज का नाम रखा गया है आफ्टर लेडी गागा? ठीक है, तो आपके सामने है इसका आंसर ट्री होपर। ठीक है, क्या है ट्री होपर? ट्री होपर का नाम क्या रखा गया है? काइकिया गागा। काइकिया गागा आपके सामने है, बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, करके जाइएगा इसको, काइकिया गागा। मैं कुछ और चीजें बता रहा हूं, उनको नोट कर लीजिए बेटा। पहला तो ये इसका नाम है, ये मिला कहां पे है? निकारगुआ में। ये मिला कहां पे है? निकारगुआ में। बेटा निकारगुआ कैपिटल है मांगुआ, निकारगुआ कैपिटल है मांगुआ, कैपिटल क्या है मांगुआ। उसके बाद बेटा एक नेलो प्रोडस होता है, नेलो प्रोडस, ठीक है, ये बीटल होता है, बीटल, ठीक है, ये किया गया है ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे, ये किया गया है ग्रेटा थनबर्ग के नाम पे, जो स्वीडिश एक्टिविस्ट हैं, आप जानते होंगे स्वीडिश एक्टिविस्ट, आप जानता ग्रेटा थनबर्ग को, ग्रेटा थनबर्ग इस साल की पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं, ग्रेटा थनबर्ग इस बार के पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं, याद रखिएगा। और तीसरा तेंदुलकर के नाम पे, सचिन तेंदुलकर के नाम पे किया गया है, उसका नाम है मैरेंगो सचिन तेंदुलकर, मैरेंगो सचिन तेंदुलकर, ये एक स्पाइडर है, ये एक स्पाइडर है, ठीक है। तो तीनों चीजें आपको याद रखनी है, प्लीज कोई डाउट है जल्दी पूछिए। बेटा कोई भी डाउट जल्दी पूछ लो फिर हम आगे बढ़े। ओके, सो बेटा अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मनरेगा की बात हो रही है। अब नरेगा बेटा क्या है, ध्यान सुनना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था बेटा, इसका नाम था नरेगा। 2 अक्टूबर 2005 को जिसने गांधी जी का बर्थडे होता है बेटा, तब इसको लाया गया था नरेगा को, ठीक है। 2009 में इसका नाम कर दिया गया मनरेगा, ठीक है, एम से क्या किया गया, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बेटा इस साल गवर्नमेंट स्पेंड करेगी 1,83,000 करोड़, सॉरी 1718 में गवर्नमेंट ने किया 1,83,000 करोड़, ठीक है, जो कि डबल है अमाउंट, ठीक है। तो बेटा नरेगा जो होता है वो होता है जैसे रूरल एरियाज है उनमें जो मजदूर इसकी काम की गारंटी मिलती है, जो घर का एक बड़ा मेंबर होगा, और 200 रुपए पर डे मिलेगा उसको, एंड ये राइट टू वर्क के अंदर आता है। अगर आपको वर्क ना मिले तो आप इसके खिलाफ केस कर सकते हो, ठीक है। और बेटा और चीज एक नोट कर लो, ये आइडिया दिया था पीवी नरसिम्हा राव ने, पीवी नरसिम्हा राव ने, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये उन्होंने आइडिया दिया था, ठीक है। ये मनरेगा है, इसका नाम पहले नरेगा था, फिर इसको मनरेगा किया गया था, इसका अमाउंट इस बार डबल किया गया है, इसलिए न्यूज में रहेगा। और सभी मनरेगा वर्कर्स को जितने भी रजिस्टर्ड थे सबको पैसे भेज दिए गए हैं, चाहे वो काम कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं बेटा, ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, क्यों जरूरी है, आपने सुना होगा यस बैंक क्राइसिस, ठीक है, यस बैंक क्राइसिस आपने सुना होगा, कितना पंगा पड़ा यस बैंक का वहां पे। सर मिड डे मील भी इन्होंने स्टार्ट की थी 1995 में, हाँ जी हाँ जी इन्होंने स्टार्ट की थी। वैसे जो मिड डे मील है उसके पीछे पीवी नरसिम्हा राव का कोई रोल नहीं था, क्योंकि जो पीवी नरसिम्हा राव अगर आपको याद हो इनके साथ थे आपके प्राइम मिनिस्टर जो अब प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मनमोहन सिंह, तो ये सारे आइडिया थे उनके, बट इनका नाम आया था। ये शुरू 2005 में शुरू हुआ था बेटा, 2005 में 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था ये मनरेगा। इसके जो रीनेम है वो 2009 में किया गया, रीनेम इसको 2009 में किया गया बेटा। और देखिए अभी यस बैंक की बात करें तो यस बैंक आपको पता है बड़ा क्राइसिस में था, बहुत पंगा पड़ा था। मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं जो बड़ी जरूरी हैं। जब क्राइसिस आए हैं यस बैंक में, इस पे मॉरेटोरियम लगा था, मॉरेटोरियम लगाया गया था। अगर आपको याद हो कि आप 50,000 निकलवा सकते, उससे ज्यादा नहीं निकलवा सकते, तो कई बंदे डर भी गए थे कि हमारा पैसा मर ना जाए,
बट ध्यान रखना डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन क्या कहता है कि आपका 5 लाख तक सेफ है, 5 लाख तक आपका पैसा सेफ है, चाहे बैंक डूब जाए, चाहे बैंक में चोरी हो जाए, चाहे बैंक में आग लग जाए। एग्जाम्पल लीजिए आपका बैंक में 8 लाख है तो 3 लाख मर जाएगा और 5 लाख आ जाएगा। एग्जाम्पल लीजिए आपका बैंक में 4 लाख है तो आपको 4 लाख का 4 लाख आपका बच जाएगा। तो मॉरेटोरियम से डरना नहीं होता आपको, ठीक है। और जो ये 5 लाख लिमिट की गई बेटा वो इसी साल की गई है, पहले ये 5 लाख लिमिट थी 1 लाख, पहले ये 5 लाख लिमिट थी सिर्फ 1 लाख, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब यस बैंक का जब ये सारा पंगा ये जो क्राइसिस आए जब हुआ तो इसके सीईओ थे रवनीत गिल, इसके सीईओ थे रवनीत गिल और इसके फाउंडर थे राणा कपूर। बट अब ऑर्डर्स को कर दिया गया है, अब सब कुछ नया आ गया है, तो नए जो एमडी एंड सीईओ बन गए हैं उनका नाम है प्रशांत कुमार, ठीक है, उनका नाम है प्रशांत कुमार, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। आपको सिर्फ प्रशांत कुमार का नाम याद रखना है, बाकी आपको नाम याद नहीं रखने। और ये याद रखना है कि यस बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर दुबई में है, ठीक है, और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज, ठीक है। यस बैंक वॉज द फर्स्ट बैंक जिसने 6% इंटरेस्ट रेट दिया था सेविंग अकाउंट पे, जबकि सारे बैंक 4% देते थे, इसने 6% दिया था, डेट वॉज यस बैंक, ठीक है। फाउंडर है आपके, आपको बता दिया है, राणा कपूर। डाउट है तो बोलिए, नहीं तो अगला क्वेश्चन बड़ा जरूरी है क्योंकि वो जीएसटी पे है, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा जीएसटी पे क्या क्या चेंजेस हुई हैं। पेपर में एक क्वेश्चन आने आना चाहिए जीएसटी पे। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर जीएसटी का जो क्वेश्चन है वो कर लें, बड़ा जरूरी है। चलिए फिर मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 39th जीएसटी काउंसिल मीटिंग कहाँ पे हुई, जो हर साल होती है, ठीक है। 39th काउंसिल मीटिंग कहाँ पे हुई जो होती है, तो वो न्यू दिल्ली में हुई, ठीक है, जो कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में। इसमें क्या कहा गया, बड़ी जरूरी चीजें हैं, ध्यान सुनना, ठीक है। 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल जो जा चुकी है, 1 अप्रैल से क्या क्या चेंज हो गया बेटा, क्या क्या चेंज हो गया है सुन लो, ठीक है। पहले आपके मोबाइल पे जीएसटी 12% था, ये क्वेश्चन आना दे, छोड़ मत देना। पहले आपके मोबाइल पे जीएसटी 12% था, अब 18 कर दिया गया है। पहले आपके मोबाइल पे जीएसटी 12% था, अब 18% कर दिया गया है, ठीक है। जीएसटी ऑन हैंडमेड मशीन मेड मैचस्टिक्स, ठीक है, उसको 12% रखा गया है, ठीक है। जीएसटी जो है आपका हैंडमेड मशीन मेड मैचस्टिक्स जो होती है, माचिस को बोलते हैं आपको, उसको 12% रखा गया है, ठीक है। उसके बाद जीएसटी ऑन मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल, ठीक है, जो बेटा एयरक्राफ्ट होते हैं ना उनकी जो मेंटेनेंस का होता है उसको बोलते हैं मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल खर्चे जो होते हैं, उसको कर दिया गया है कम, 18 से 5 कर दिया गया है, ठीक है। जितनी भी मेंटेनेंस आती है एयरक्राफ्ट की उसको 18 से 5 कर दिया गया है, ये याद रखना। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमन, फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि अगर आपने जीएसटी में डिले किया, ठीक है, जीएसटी में डिले किया तो आपको फाइन पड़ने वाला था, अब नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस कोई भी जीएसटी पे आपको जो लेट भरोगे उसका कोई भी जो फाइन है वो नहीं पड़ने वाला, ठीक है। पर ये याद रखिएगा बेटा कि जीएसटी जो डे होता है वो होता है 1 जुलाई को, बिकॉज जीएसटी आई थी 1 जुलाई 2017 को, इसको आए हुए अप्रोक्सीमेटली 17, 18, 19, 20, ठीक है, तो चौथा साल होने वाला इसको आए हुए। ये बेटा जीएसटी जो है ये कंसेप्ट जो है वो लाई थी बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, पर तब इसको इंप्लीमेंट नहीं कराया गया था, बट 2017 में इसको इंप्लीमेंट करवा दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आपने जो क्वेश्चन पूछना आप पूछ सकते हो। उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अगर आपको आता हो, ठीक है, तो ध्यान से आंसर करिएगा। ज्वेलरी पे जीएसटी कितनी है, ज्वेलरी पे जीएसटी कितनी है,
इस बार लग्जरी आइटम्स पे कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर आप कोई ऑर्नामेंट लेने आते हो, ज्वेलरी लेने आते हो, सोना खरीदने आते हो, तो उसमें जीएसटी कितनी पड़ती है आपको? मेहताब स्टिल मैं एक पीडीएफ जो क्रिएट करा हुआ ना, मैं उसमें देख लूंगा। अभी इतना तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, कोई एक आधा कॉलम अगर रह गया हो तो मैं देख दूंगा, ठीक है? अगर चेंज हुआ तो देख लूंगा, क्योंकि आपका कॉल भी नहीं आया, मुझे याद है अभी तक। मेहताब शायद आप भूल गए, मैं नहीं भूला। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ बेटा। गवर्नमेंट जो है, अब वो कहते हैं ना, जैसे आपके हर एक पेपर होते हैं अलग अलग, मैं आपको बताता हूँ। जैसे गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चे होते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब वाले, ठीक है, या आप लोग भी योजना सिम्बायसिस ये वो सब देना है, तो बेटा आप लोग पेपर अलग अलग होते हैं सबके, सबके अलग अलग पेपर, हर चीज का अलग। अब क्या होगा, गवर्नमेंट क्या ला रही है, सीईटी। गवर्नमेंट सीईटी लेके आएगी, दैट इज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब शुरू कब से हो रहा है, 2021 से। अभी उसमें आपके पेपर नहीं आए, जो बच्चे यहाँ पे सिम्बायसिस क्राइस्ट पीयू वाले बैठे हैं उनके लिए नहीं आए। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब वाला बैठा है तो उसके लिए आया है, कि क्या होगा, अब एक कॉमन टेस्ट हुआ करेगा। कॉमन टेस्ट हो गए, आपको वो सेकंड स्टेप भेजेंगे उसी के अकॉर्डिंग। अगर आप कॉमन में पहले में पास ना हो पाए तो आप आगे किसी के एलिजिबल नहीं हो। तो 2021 से गवर्नमेंट लेके आएगी, थोड़ा याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच पर्सन स्टेप डाउन फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आप जानते होंगे, ठीक है, बिल गेट्स को जानते होंगे आप लोग सारे, सुना होगा उनके बारे में। तो वह क्या कर गए हैं, वे स्टेप डाउन कर गए हैं माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड से। वह पहले चेयरमैन थे, फिर बोर्ड में आए, फिर छोड़ गए, ठीक है, फिर वो छोड़ गए उसको, ठीक है। तो बिल गेट्स ने उसको छोड़ दिया अभी, ठीक है। गेट्स ने, जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने जो बर्कशायर हैथवे है कंपनी, ठीक है, उसको भी छोड़ दिया है, ठीक है, वहां से उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है, ठीक है। और अब माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टर 12 रह गए हैं, ठीक है। अब माइक्रोसॉफ्ट के डायरेक्टर कितने रह गए हैं, 12 रह गए हैं। इसका माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन थे, बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ठीक है। और सीईओ कौन है इस वक्त, सत्य नडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है WION थर्ड एडिशन, WION थर्ड एडिशन हेल्ड इन विच सिटी। तो पहले तो बच्चों को पता लगता है WION है क्या, तो WION का मतलब वर्ल्ड इज वन, ठीक है। वर्ल्ड इज वन एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल है, जो किसका है, जी मीडिया का, ठीक है। जी मीडिया जो आपको पता है, जी न्यूज वगैरह, उनका एक इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या है, WION। तो उसका समिट अभी कहां पे हुआ है, उसका समिट हुआ अभी दुबई में, ठीक है। बेटा आपके सामने खबर होगी, डीए फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय एंड पेंशनर्स हाइक्ड बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम 1 जनवरी। बेटा डीए को बोलते हैं महंगाई भत्ता। जैसे जैसे होता है महंगाई बढ़ती है, सरकारी जो कर्मचारी होते हैं या पेंशनर्स होते हैं उनको क्या मिलता है, डीए, डेयरनेस अलाउंस, ठीक है, ताकि जैसे खर्चा बढ़ा वैसे उनका इनकम बढ़ेगा, वैसे उनकी पेंशन बढ़ेगी, वैसे उनकी सैलरी बढ़ेगी। तो जो 1 जनवरी से बेटा 4% बढ़ गया था, 1 जनवरी से 4% बढ़ गया था। बट दुख की बात यह है कि आज खबर आ गई है, जो गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉयर्स हैं या पेंशनर्स हैं उनके लिए दुख की बात है कि इस पे रोक लगा दी गई है, इस पे 4% पे रोक लगा दी गई है। तो डीए जो 4% इंक्रीज हुआ था वो रोक लगा दी गई है, वो नहीं मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। और टोटल जो अब डीए हो गया है वो 21% हो गया है, ठीक है, पहले 17 था, अब 21% हो गया है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन कोरोना वायरस इन्फेक्शन मेड पनिशेबल ऑफेंसेस इन विच कंट्री।
तो एक कंट्री ने कहा कि अगर आपने अपना कोरोना छुपाया तो वो क्या होगा, पनिशेबल ऑफेंस के अंदर आ जाएगा, कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। तो ये कौन सी थी? ये थी बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश ने कहा था अगर आप छुपाते हो, ठीक है, तो आप पे 25,000 टका, 25,000 टका या 2 मंथ की जेल मिलेगा आपको अगर आपने छुपाया कि आपको कोरोना है। उसके बाद बड़ा क्वेश्चन आता है, जम्मू कश्मीर के कौन से एक पूर्व सीएम है या जिसको फॉर्मर सीएम है, जिनको अब पीएसए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर जब डाला हुआ था उनके घर में ही, उनको रिलीज कर दिया गया है। उनका नाम है फारूक अब्दुल्ला, उनका नाम है फारूक अब्दुल्ला। ठीक है, गुपकर रोड पे इनका घर है, इनको वहां से अब छोड़ दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 370 जब हुआ था तो इनको अरेस्ट कर लिया गया था, इनका हाउस अरेस्ट था। फारूक अब्दुल्ला का, महबूबा मुफ्ती का, बहुत और लोग भी हैं, ठीक है, उमर अब्दुल्ला भी हैं, तो इनका हाउस अरेस्ट था, इनको रिलीज कर दिया गया है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ आर्चरी 2020 वर्ल्ड कप जो होना था बेटा, उसको क्या कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। आर्चरी वर्ल्ड कप होना कहां पे था बेटा? सो गोटेमाला सिटी। ठीक है, कहां कहां था? गोटेमाला सिटी। इसकी कैपिटल भी गोटेमाला ही है, इसकी कैपिटल भी गोटेमाला ही है। चलो बताइए तो किस कंट्री की नेशनल गेम आर्चरी है, किस कंट्री की नेशनल गेम आर्चरी है? सामने लिखा हुआ इसलिए बोल दिया। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, सामने लिखा हुआ वैसे, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये क्वेश्चन ना गारंटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान सुन लेना। प्रगति एक प्लेटफॉर्म है, प्रगति टू बूस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, वो किसने शुरू किया है? फेसबुक ने, याद ना, फेसबुक प्रगति, फेसबुक प्रगति अपने दिमाग में डाल लो, ये आने के पूरे चांस है। ठीक है, फेसबुक प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए ध्यान से पढ़िए, तो क्वेश्चन है बेटा कि बीएसएनएल ने किसके साथ, किस बैंक के साथ टाइप किया है कि भारत इंस्टा पे के लिए, ठीक है, भारत इंस्टा पे के लिए बीएसएनएल के साथ टाइप किया बेटा, तो उसका बैंक का नाम है एसबीआई। ठीक है, एसबीआई उस बैंक का नाम है बेटा। बीएसएनएल के जो सीईओ एमडी चेयरमैन जो है अनुपम श्रीवास्तव, याद ना, मतलब होता है बेटा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आजकल सारे लोग यूपीआई यूज करते हैं, इवन कि आप लोगों ने देखा होगी कि मैम आपको वृंदावन कहते होते हैं कि अगर आपको सीएल की पेमेंट करनी है तो आप यूपीआई से कर सकते हो, है ना, सुना होगा आप लोगों ने, यूपीआई से आप स्कैन करते हो बार कोड, उसी से पेमेंट हो जाती है, पक्का देखा होगा आप लोगों ने, जो बच्चे प्लस टू के हैं जरूर देखा होगा बेटा। यूपीआई जो है वो आती है एनपीसीआई के अंदर, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ठीक है, और यूपीआई लाने वाले कौन थे? रघुराम जी राजन, आपको याद होगा फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है हमारे रघुराम जी राजन, वो लेके आए थे यूपीआई। पारस कब चेंज हुआ बेटा ये? अगर ये चेंज हुए हैं तो मैं अभी चेक कर लेता हूं बेटा, आई थिंक ये खबर मार्च की है, तो उसके बाद हो सकता है चेंज हुए हो। हाँ ठीक है फिर, ठीक है, ये मेरी ही खबर है, मतलब मैंने ही है ये लास्ट 3 दिन में डाली थी, आई एम सो सॉरी, आप चेंज कर लीजिए। बीएसएनएल के जो एमडी हैं, हाँ सो सॉरी, बीएसएनएल के जो चेयरमैन है चेंज कर दीजिए, उनका नाम पीके पुरवार है। ठीक है जी, सॉरी, हाँ, मुझे याद आ गया, मैंने कहा था कि विच बीएसएनएल पर्सन गेट्स एडिशनल चार्ज ऑफ एमटीएनएल, ये था क्वेश्चन। ठीक है सर, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ये गारंटेड क्वेश्चन है, दिमाग लगा के करो, आंसर देखो कितना अच्छा है। विच इंडियन वुमेन हैज बीन नेम्ड इन द 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन इन स्पोर्ट्स फॉर 2020 बाय स्पोर्ट्स बिजनेस नेटवर्क आई स्पोर्ट्स कनेक्ट।
बहुत बड़ी खराब चीज है इंडिया में एक, कि यहाँ पे जिसके पास टैलेंट है उसको कुछ नहीं मिलता, जिसके पास पैसा है उसको सब कुछ मिलता है। देखिए टैलेंट होते हुए पीवी सिंधु आगे नहीं आई, मैरी कॉम आगे नहीं आई, बट कौन है इंडियन वुमेन जिसको 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन डाला गया है स्पोर्ट्स में, उनका नाम है नीता अंबानी। नीता अंबानी, उनका बस इतना ही टैग है कि वो अंबानी जी की वाइफ है बस, और कुछ उनका जो है वो रोल नहीं है इसमें। बट स्टिल आपको याद करना पड़ेगा नीता अंबानी को ओनर है किसकी, मुंबई इंडियंस की, एंड फर्स्ट एवर इंडियन मेंबर ऑफ आईओसी ओलंपिक चैनल। याद ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में सिर्फ एक इंडिया का मेंबर है और वो नीता अंबानी है टिल 70 ईयर्स ऑफ एज। मुंबई इंडियन जो है वो बेटा 4 बार जीत चुके हैं, ठीक है, मुंबई इंडियन 4 बार ये टाइटल जीत चुके हैं आईपीएल का। सेरेना विलियम्स भी इसमें है, ठीक है, मेगन रिपोने भी इस लिस्ट में, काफी जाने हैं, पर आपको सिर्फ नीता अंबानी याद करनी है क्योंकि वो मुकेश अंबानी की वाइफ है और मुकेश अंबानी क्वेश्चन डलवा सकता है अपनी वाइफ के लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, तो भारतीय एयरटेल जो है उसने 10% स्टेक ले लिया है किस स्टार्टअप में, ठीक है, तो स्पेक्टाकॉम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। स्पेक्टाकॉम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड एक फिटनेस स्टार्टअप है जिसमें भारतीय एयरटेल ने 10% ले लिया है, और एयरटेल का सीईओ भारती मित्तल, मत कर देना, वो एयरटेल का चेयरमैन है, एयरटेल का चेयरमैन भारती मित्तल है, बट जो सीईओ वो कौन है, गोपाल विट्टल। गोपाल विट्टल, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है, वर्ल्ड एथलेटिक्स इंपोज US$10 मिलियन फाइन ऑन विच कंट्री फॉर डोपिंग स्कैंडल एंड कैप्स न्यूट्रल एथलेटिक्स एट 10। तो रशिया पे जो है वो US$10 मिलियन का फाइन पड़ा है बिकॉज रशिया के प्लेयर जो है वो बहुत नशा करते हैं, लाइक वो ऐसे ड्रग्स लेते हैं जिनसे आपकी पार भागने की जो क्षमता होती है वो और बढ़ जाती है। तो याद ना, इनको बहुत बार पहले फाइन किया गया है पर ये नहीं हटते, इवन कि इनको बैन भी कर दिया गया है, इवन कि इनको बैन भी किया गया है कि आप टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में नहीं आएंगे, आप टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में नहीं आएंगे, ठीक है, जो आपका ये वर्ल्ड एथलेटिक्स बेटा है, ठीक है, ये 1894 में बना था, ये आपके सामने है, ठीक है, और फाउंडर थे इसके, इंटरनेट जो फाउंडर थे वो थे पेरे दे कोबुटिन, ठीक है। उसके अगला बड़ा क्वेश्चन आपके सामने है, नेम द तेलंगाना यंगेस्ट हु रिसेंटली स्केल ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट पीक। बेटा ये बहुत न्यूज में रहती है ऐसी चीजें, जो इन्होंने क्या किया होता है, इन्होंने स्केल की होती है कोई ना कोई हाईएस्ट माउंटेन पीक, तो इनका नाम क्या है, इनका नाम है एमगोथ तुकाराम। एमगोथ तुकाराम, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक का नाम है माउंट कोसिस्कू, ठीक है, उसको क्या किया है, स्केल किया है। याद ना, मैं नीचे एक और पॉइंट लिखा है कि इंडियन माउंटेनियर है भावना धरिया, उन्होंने भी इसको किया है 3 दिन पहले इनसे, तो इन दोनों का नाम आपको याद होना चाहिए, और इसकी हाइट कितनी है, 888 मीटर, 888 मीटर, आपको वो भी याद होनी चाहिए। तो याद रखिएगा तीनों चीजें, पीडीएफ आपके पास आई हुई है, पढ़ना अब आपका काम है, लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके लिए आ गया है, आप सबके लिए, जितने भी लोग देख रहे होंगे आप सबके लिए क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्लीप डे। वर्ल्ड स्लीप डे, वर्ल्ड स्लीप डे है 13 मार्च को, आराम से सो जाओ। इस बार की थीम क्या थी, इस बार की थीम क्या थी, बेटर स्लीप बेटर लाइफ बेटर प्लैनेट, और हो ही गया, वो कोरोना वायरस ने कर ही दिया, बेटर स्लीप हो रही है, लाइफ बड़ी बेटर हो गई है, और प्लेनेट भी बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो ये बात सच हो गई है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका पाई डे, वो होती ना आप जो बचपन में कहते थे 22/7 पाई वाला, वो वाला पाई कह रहा हूँ ठीक है, 22/7 एंड ऑल दैट, मेरे को तो खुद भी याद नहीं क्या होता था। तो पाई डे किसने होता है, पाई डे होता है 14th मार्च को। पारस अरोड़ा बेस्ट विदाउट पोल्यूशन, बट अगर कुछ बचेगा नहीं तो क्या करोगे, कोई काम ही नहीं है बेटा तो क्या कर लोगे, पैसा नहीं होगा तो क्या करोगे। चलिए सो पाई डे होता है 14 मार्च को, 14th मार्च को होता है बेटा ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बर्थडे होता है इस दिन, एल्बर्ट आइंस्टाइन का इस दिन क्या होता है, बर्थडे होता है। नो स्मोकिंग डे, नो स्मोकिंग डे होता है 11 मार्च को, नो स्मोकिंग डे होता है 11 मार्च को। कुछ डेज हैं इनको याद कर लीजिए। अब बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये आपके पेपर में किसी ना किसी तरह बन के आ रहा है, तो गलती ना करते छोड़ के, इसको गलती ना करना छोड़ के मैं रिपीट करता हूं। गवर्नमेंट डिक्लेयर फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर एज एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट किस साल में आया था, तो 1955। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने कहा है कि 30 जून तक सारी ये, चाहे फेस मास्क हो चाहे हैंड सैनिटाइजर हो, आप इसको किसमें डाल दो, एसेंशियल कमोडिटीज में, सारे तरह के मास्क 2-ply, 3-ply, N95 सब किसके अंदर आ रहे हैं, एसेंशियल कमोडिटी के अंदर। अब क्वेश्चन में आप लोगों से है, दो और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अभी अभी एसेंशियल कमोडिटी के अंदर की गई हैं, दो दिन पहले बताइए। नहीं है तो एटलीस्ट नो लिख दीजिए। नेहल जैन, मेहताब, अनिकेत, तो मैं बोल रहा हूं फिर सुन लीजिए, लैपटॉप्स एंड राउटर्स, लैपटॉप एंड राउटर्स को भी एसेंशियल में ऐड कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको पेपर में ऐसे बन के आएगा कि इनमें से कौन सी स्टेट वो नहीं है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन कहा है कि गवर्नमेंट ने प्रूव किया है 7660 करोड़ ग्रीन हाईवे, कौन सी चार स्टेट्स में, हिमाचल, राजस्थान, आंध्र, उत्तर, ठीक है, हिमाचल, राजस्थान, आंध्र, उत्तर, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि गवर्नमेंट ने इनमें से किसमें नहीं किया, और इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हुआ है भूमि ऋषि पोर्टल, भूमि ऋषि पोर्टल इसके लिए लॉन्च किया हुआ है। अगला क्वेश्चन बेटा आपको आना है, इसको मार्क कर लेना, दिमाग में डाल लेना, कौन पहली बार फीमेल प्रेसिडेंट बनी है ग्रीस की, आज तक ग्रीस में कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं बनी थी, अब बनी है, उनका नाम है कैटरीना साकेलारा पुलोऊ, ठीक है। शी वॉज अ फॉर्मर हाईकोर्ट जज, ग्रीस कैपिटल है एथेंस, और एथेंस में पहली बार मॉडर्न ओलंपिक्स हुए थे। यहां क्वेश्चन है, विच रेलवे स्टेशन इन इंडिया, विच रेलवे स्टेशन इन इंडिया विल गेट वर्ल्ड क्लास मेकओवर,
विल गेट वर्ल्ड क्लास मेकओवर. सो द करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली को वर्ल्ड क्लास मेकओवर मिलेगा. ठीक है, न्यू दिल्ली को वर्ल्ड क्लास मेकओवर मिलेगा. ठीक है, याद रखना. उसके बाद अगर कोई बच्चा एचएम का है तो वो ध्यान से करना आंसर ये, यहाँ सॉरी सुन लेना क्योंकि आप तो अभी बैठे ही होंगे तो सुन लेना. विच होटल एडमिनिस्ट्रेशन एंटर्स लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर इंडियाज बेस्ट या इंडियाज फर्स्ट लिविंग कल्नरी आर्ट्स म्यूजियम. ठीक है, तो वेलकम ग्रुप है ग्रेजुएट स्कूल ऑफ होटल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको मिला है. ठीक है, ये शेफ विकास खन्ना इसके फाउंडर है. जो विकास खन्ना है वो इसके फाउंडर है, याद रखना. आपने एक बड़ा ब्रांड सुना होगा रोल्स रॉयस का. ठीक है, उन्होंने किस आईआईटी के साथ पार्टनरशिप की है कि ज्वाइंट रिसर्च करेंगे इकट्ठे, तो आईआईटी मद्रास. ठीक है, आईआईटी मद्रास. और फोन पे जीएसटी बढ़ गई है, ये आप पढ़ चुके हो कि फोन पे जीएसटी बढ़ चुकी है. दो मिनट का ब्रेक है बेटा, 2 मिनट का ब्रेक. ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है बेटा कि असम गवर्नमेंट 33 स्टेडियम बनाएगी अपनी स्टेट में, क्योंकि असम चाहती है कि हमारा जो स्टेट है वो स्पोर्ट्स के लिए जाना जाए. ठीक है, तो असम गवर्नमेंट 33 स्टेडियम बना रही है अंडर विच प्रोजेक्ट, तो नाम है उत्तरण. ठीक है, उत्तरण प्रोजेक्ट के अंदर असम गवर्नमेंट 33 स्टेडियम बनाएगी. ठीक है, असम की कैपिटल बेटा दिसपुर है और इंडिया का जो पहला डिटेंशन सेंटर है वो भी असम में खुला है, ग्वालपारा में. ठीक है, और सबसे पहले एनआरसी भी असम में लगी है. ठीक है, याद रखना, सबसे पहले एनआरसी भी असम में लगी है. अब जो मुंबई का सेंट्रल स्टेशन है, इसको हम सीएसटी भी बोलते हैं, मुंबई सेंट्रल स्टेशन जो बेटा उसको रीनेम कर दिया गया है किस पर्सन के नाम पे, नाना शंकरा श्रेष्ठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन. नाना शंकरा श्रेष्ठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन. ठीक है, वह मुंबई की डेवलपमेंट ने उन्हें काफी काम किया था इसलिए उनके नाम पे ये कर दिया गया है. ठीक है, याद रखिएगा. अब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि जो टीसीएस है एंड डीएलएफ है, टीसीएस एंड डीएलएफ वो अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे. कहां कहां पे, तो हरियाणा एंड यूपी में. ठीक है, हरियाणा एंड यूपी में डीएलएफ बनाएगा हरियाणा में और टीसीएस बना रहा है यूपी में. ठीक है, नोएडा में. ये बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा. टीसीएस और डीएलएफ, डीएलएफ का मतलब है दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस, दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस. ठीक है, याद रखिएगा इसको. ये क्वेश्चन आने के बड़े चांस हैं बेटा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चरल साइंसेज ऑफ शिवमोगा, ऑफ शिवमोगा उन्होंने क्या डिवेलप्ड किया है, उन्होंने बेटा क्या डिवेलप्ड किया है, एक शाहिद्री मेगा, शाहिद्री मेगा दैट इज रेड वैरायटी ऑफ किस चीज की, राइस की, दैट इज रेड वैरायटी ऑफ पैडी की. ठीक है, पैडी की है. तो ये याद ना, जो ये यूनिवर्सिटी है शिवमोगा, ये कर्नाटका में है. ठीक है, ये कर्नाटका में है. ये क्वेश्चन आने का चांस है, इसको ध्यान सुन लेना. क्वेश्चन है बेटा कि ऐसा बिजनेस एग्जीबिशन एंड एयर शो जिसको बोलते हैं विंग्स इंडिया 2020, वो कहां पे हुआ है, तो वो हुआ बेटा हैदराबाद में. विंग्स इंडिया 2020 हुआ बेटा हैदराबाद में, ये याद रखना जरूरी है.
मार्क कर लो, कुछ ये दिमाग में डाल लो जो जरूरी होती है। उसके बाद ये तो ग्रेटेड क्वेश्चन है, पेपर पेपर में आने आना चाहिए। क्वेश्चन है, नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड लॉन्च इन इंडिया। आना ही आना है, मार्क कर लो, आना ही आना है, मार्क कर लो दिमाग में चाहे कॉपी में। नेम द वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज क्लाउड लॉन्च इन इंडिया। नाम क्या रखा है उन्होंने? गोकडल, गोकडल। ठीक है, तो ये फोकस रहेगा चार एस पे, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स एंड ऑगमेंटेटिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इसको ध्यान रखना क्वेश्चन को। IDFC बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? अमिताभ बच्चन। IDFC जो फर्स्ट बैंक है उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अभी, कौन बनाए गए हैं? अमिताभ बच्चन बनाए गए हैं। ठीक है, याद रखना। CSO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, CSO मतलब चीफ। चलो बताओ CSO क्या होता है, चलो बताओ फिर, व्हाट इज CSO? CSO क्या होता है जल्दी बताओ। आप लोगों को CSO भी नहीं आता? ओके, चीफ स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर। ओके, एरिक हॉविट्स बने हैं तो याद कर लीजिएगा। शादी भाग्य स्कीम किसने खत्म कर दी है? तो ये शुरू की थी कांग्रेस ने, शुरू की थी कांग्रेस ने। ठीक है, एंड जहां पे अब सरकार है बीजेपी की कर्नाटका में, तो उन्होंने इसको खत्म कर दिया है, उन्होंने खत्म कर दिया है शादी भाग्य स्कीम को। ये शुरू की गई थी बीजेपी द्वारा, ठीक है, और सॉरी कांग्रेस द्वारा, अब बीजेपी सरकार तो ने वहां पे खत्म कर दिया इसको। ठीक है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू मेजर ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, टू मेजर ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। तो बेटा ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट करने वाली पहली स्टेट बनेगी आपकी उत्तराखंड। ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट करने वाली आपकी पहली स्टेट बनेगी उत्तराखंड। ठीक है, ग्रोस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट को पहली बार मेजर करने वाली बनेगी उत्तराखंड। ठीक है, याद रखना। जो हमारी एक शिप है जिसका नाम है आई एन एस शरदुल, वो अभी 600 टन लेके पहुंची है, 600 टन ऑफ राइस लेके पहुंची है मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर वहां पे फ्लड आया हुआ था, तो हमारी INS शरदुल जो है वो पहुंची है वहां पे उनको देने, चावल की जो है 600 टन का जो था आपका पूरा लोड वो देने पहुंची है। ठीक है, एंड याद ना, इससे पहले INS एरावत जा चुकी है। ठीक है, इससे पहले INS एरावत जा चुकी है, अब गई थी INS शरदुल। क्वेश्चन है बेटा, विच कंपनी लॉन्च्ड अ टूल टू हेल्प डेवलपर्स टू मेक वेबसाइट मोर कलर ब्लाइंड फ्रेंडली। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस जो है वो कई लोगों को है, इवन की जो फेसबुक का मालिक है उसको भी है, उसको भी ब्लू कलर ज्यादा अच्छा लगता है, नजर आता है, तभी वो हर चीज ब्लू कलर में रखता है। ठीक है, सो विच कंपनी लॉन्च्ड अ टूल टू हेल्प डेवलपर्स टू मेक अ वेबसाइट मोर कलर ब्लाइंडली, ठीक है, फ्रेंडली। तो गूगल ने एक लॉन्च की है, ठीक है, गूगल ने लॉन्च करा है इसको। गूगल कहता है कि मैं एक आपको ऐसा सॉफ्टवेयर दूंगा जिससे आप जो वेबसाइट डेवलप करते हैं वो मोर कलर ब्लाइंड हो, ठीक है, अच्छे से दिख सके उनको जिनको इश्यू आता है, जो कलर ब्लाइंडनेस का इश्यू है।
उसके बाद क्वेश्चन आपका है कि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने सस्पेंड कर दिया है ट्रेवल फ्रॉम यूरोप टू यूएस एक्सेप्ट विच कंट्रीज। पूरे यूरोप को उसने कह दिया था कि हमारे यहाँ पे कोई नहीं आएगा, ठीक है, यूरोप में, तो कौन सी कंट्री छोड़ दी थी? यूके और आयरलैंड उसने छोड़ी हुई थी, ठीक है, बिकॉज ऑफ बोलते ये कोरोना वायरस। उसने कहा था यहाँ कोई नहीं आएगा। स्टिल देख लो यूएस का क्या हाल है, इतना बैन करने के बाद भी इतना बुरा हाल हुआ उसका, यूएस का। उसके बाद बेटा क्वेश्चन है कि पेप्सी को इंडिया हैज रॉब्ड इन विच एक्टर एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर। सो अक्षय कुमार जो है वो पेप्सिको के नए बने हैं, ठीक है, ये क्राइस्ट जो बीबीए वाले हैं वो जरूर कर ले, उनको आने के चांस पूरे हैं, ठीक है। पेप्सिको ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अक्षय कुमार को बनाया है, जो पेप्सी कंपनी है जिसके लेयर्स भी आते हैं, ठीक है, तो उन्होंने उनको बनाया है, ठीक है, ये भी याद रखना, ठीक है। उसके बाद एक और चीज यहाँ याद कर लो, विच फॉर्म ऑफ वर्शिप इमर्जेस मोस्ट प्रेफर्ड। तो नमस्ते जो है वो सबसे मतलब ज्यादा यूज करने वाली एक फॉर्म बनी है, जो हाथ हम जोड़ के नमस्ते करते हैं, ठीक है, वो बनी है, ठीक है, याद रखना उसको। उसके बाद बेटा मैं आपको बताता हूँ जो जरूरी है आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, सारे नहीं कराता हूं, जो जरूरी होगा वही कराऊंगा, ठीक है, बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। बेटा एक फेस्टिवल होता है फागली फेस्टिवल, फागली FAGLI, एक फागली फेस्टिवल होता है बेटा फागली, वो किस स्टेट में मनाया जाता है? तो पेपर में काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि फागली कहाँ मनाते हैं, फागली कहाँ मनाते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, तो आप देखिएगा आपको आता तो कि फागली कहाँ मनाते हैं, फागली। तो ऐसे कई होते हैं बेटा जो फेस्टिवल होते हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है, तो अगर फागली पूछे तो बेटा फागली का जो आंसर है वो किन्नौर है, ठीक है, फागली का आंसर क्या है? किन्नौर, ठीक है, किन्नौर बेटा याद रखना, ये जो पड़ता है किन्नौर, वो पड़ता है हिमाचल में, ठीक है, किन्नौर पड़ता है आपका हिमाचल में, किन्नौर में फागली फेस्टिवल मनाया जाता है बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। और ये है वहां पे यांगपा विलेज, यांगपा विलेज वहां इसको मनाते हैं, यांगपा विलेज में, ठीक है, किन्नौर यांगपा विलेज में इसको हम लोग मनाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन है बेटा कि कौन सा एयरपोर्ट है ऐसा जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गई है फॉर स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो है वो है जवार एयरपोर्ट, ठीक है, जवार एयरपोर्ट याद रखिए बेटा, जवार एयरपोर्ट जो है याद रखिएगा, जवार एयरपोर्ट जो है बेटा वो आपके इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा और एशिया में दूसरा सबसे बड़ा बनेगा, इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जवार एयरपोर्ट और दुनिया एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, और जो दुनिया में है ये पांचवां सबसे बड़ा होगा, दुनिया में पांचवां सबसे बड़ा होगा, जो न्यूयॉर्क यूएस में है वो सबसे बड़ा है, उसका नाम आप खुद करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक आप लोगों ने बड़ा नाम सुना होगा, फॉक्स स्टार स्टूडियोज बेटा, फॉक्स स्टार स्टूडियोज इंडिया के जो नए सीईओ बने हैं, सॉरी जो रिजाइन कर गए हैं उनका नाम है विजय सिंह, ठीक है, ये याद ना, विजय सिंह। और याद रखो जो डिज्नी के हैं सीईओ उनका नाम है बॉब चैपेक, ठीक है, बॉब चैपेक इन प्लेस ऑफ बॉब ईगर, ठीक है, थोड़ा याद रखिएगा ये, क्योंकि फॉक्स जो है वो वॉल्ट डिज्नी ने एक्वायर कर ली हुई है, फॉक्स जो है ना ये वॉल्ट डिज्नी ने एक्वायर कर ली हुई है।
यहाँ आपको क्वेश्चन आएगा, जो पंकज अडवाणी है, पंकज अडवाणी वो किस गेम से रिलेटेड है, पंकज अडवाणी इज एसोसिएटेड विद विच गेम, ये क्वेश्चन आ सकता है, पंकज अडवाणी इज एसोसिएटेड विद विच गेम, ठीक है। तो वो जो गेम खेलते हैं उसका नाम है स्नूकर, ठीक है, उसका नाम क्या है, स्नूकर, जिसको आप लोग कई लोग बिलियर्ड्स भी बोलते हो, ठीक है। तो पेपर में ना क्वेश्चन आता, ध्यान रखना, वो पूछते होता है कि बिलियर्ड में रेड बॉल कितनी होती है, ठीक है, जानबूझ के वो क्वेश्चन पूछ देता आपसे, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने अभी 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 अपना 34th टाइटल जीता है, ठीक है, इन्होंने अभी अपना 34th टाइटल जीता है, इसलिए ये जरूरी है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा जरूरी है, ध्यान रखना, पहली बार ऐसा हुआ है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने इंट्रोड्यूस किया है फ्री डिजिटल पार्सल लोकल सर्विस, फ्री डिजिटल पार्सल लोकल सर्विस किस स्टेट में, वेस्ट बंगाल में, किस स्टेट में, वेस्ट बंगाल में, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। बस फिर खत्म करें, कोई क्वेश्चंस पूछने तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, जिसने पूछने पूछ सकते हो, मैं खत्म करता हूँ बस। आई थिंक आप लोग खत्म हो चुके हो, 4 दिन की जीके पढ़ ली आप लोगों ने और आपके लिए बहुत बड़ी बात हो गई, आपका पेपर क्लियर हो गया बेटा। अब आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हो, मैं यहीं पे हूँ, आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको उसका सोल्यूशन देते हैं आप लोगों को। किसी को जो पूछना वो पूछ सकता है जल्दी जल्दी, किसी ने कुछ खुद पढ़ा है तो जरूर पूछे, अगर पढ़ा ही नहीं है तो फिर क्या ही पूछे बेचारा, अगर पढ़ा है तो जरूर पूछिए बेटा, मर्जी पूछिए, ठीक है, जल्दी पूछ लीजिए। आप लोग बिजी भी रहते होंगे, काम बहुत होगा बेटा, अभी तो इतना काम चल रहा है पूरे दिन में। FDA चेंजेस पे आज PDF बन रहा है, शाम तक मिल जाएगा सारा। सर अप्रैल का करना है, हाँ करना है, क्यों नहीं करना बेटा, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, पेपर ऑनलाइन है तो उन्होंने जो बिल्कुल रिसेंट है डालना वही है, पुराना बहुत कम आएगा। जो बच्चे बेटा दिसंबर में, ठीक है दिसंबर की PDF करनी चाहिए, बट मैं कह रहा हूँ पहले फोकस कर लो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पे, बिकॉज उनके पास इतना टाइम नहीं है अभी, कोई भी सारे घर से काम कर रहे हैं, इतना किसी के पास टाइम नहीं कि वो पुराना ढूंढें फिर करें, जो नया पैटर्न उठाने की कोशिश कर रहे हैं सारे लोग, ठीक है। और नए में क्या ना, स्टार्टिंग जो दिन है ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इसका बहुत ऊपर फोकस करेंगे, तो अच्छे से पढ़ लो। अप्रैल का फर्स्ट वीक सेकेंड वीक आ चुका है, थर्ड वीक आज शाम को आ जाएगा, शाम को आज PDF आएगी, चाइना ने जो किया ना, जो हमने चाइना का FDA का चेंज किया है, सर FDA क्या होता है क्या नहीं होता, सब कुछ शाम को आज मिल जाएगा आपको। बट एटलीस्ट पढ़ना तो आपकी है ना जिम्मेवारी, आप वो भी नहीं पढ़ते, मुझे समझ नहीं आता क्यों नहीं पढ़ते, जिनका तो है ही GK अकेला, नेहा जैसे तेरा है ही अकेला GK, तो देखो सारी GK पढ़नी चाहिए बेटा, देखो रोज की रोज पढ़नी चाहिए। तो बच्चा मुझे दिसंबर मांग रहा है, तू देखना ये जो मार्च है, देखो इसका एक एक आंसर आना चाहिए। और वो आदत जो है हटा दो, मान लो कहना सुबह 2 बजे उठने का, सुबह 11 बजे उठने का, 12 बजे उठने का, आदत हटा लो, चेंज कर लो उसको, उठ के पढ़ा करो सुबह, ये काम ना करो, अपना पेपर खराब कर बैठोगे, पेपर एकदम से आएगा याद रखना। फिर जल्दी बताओ, किसने कुछ पूछना है, कोई डाउट हो किसी चीज में, अगर पढ़ा हो तो, कोई डाउट आ रहा हो, अगर कुछ पढ़ा हो तो डाउट हो तो। चलो फिर मैं क्विज खेलें, फिर खेलें क्विज, देखते हैं कौन आंसर कर पाता है, पूछो क्वेश्चंस, बताओ फिर आज क्विज ही खेलते हैं। जल्दी हाँ ना बोलो, मैं तो जाऊं फिर मैं।
चलो तो मैं क्विज शुरू करता हूँ, ठीक है। मेरे क्विज का पहला क्वेश्चन का ध्यान से दिमाग लगा के आंसर करेगा। मेरे क्विज का जो पहला क्वेश्चन है ना वो आपका आज का है, इंडिया में सबसे ज्यादा शुगर केन कहाँ पे होता है, किस स्टेट में? इंडिया में शुगर केन सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है? इंडिया में शुगर केन सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है? जल्दी ध्यान से कर दो, इंडिया में शुगर केन सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है? देखते कौन आंसर कर पाता है। चलो ऑप्शन कहोगे ना तो मैं ऑप्शन दे दूंगा आप लोगों को, और बताओ। अगर आप लोग ऑप्शन चाहते हो मैं आपको ऑप्शन भी दे दूंगा। ऑप्शन है पंजाब, यूपी, हरियाणा, हिमाचल। पंजाब, यूपी, हरियाणा, हिमाचल, सबसे ज्यादा कहां पे होता है शुगर केन, जो हम गन्ना बोलते हैं? जल्दी आंसर, पंजाब, यूपी, हरियाणा, हिमाचल, गोवा, पारस। तुम गए थे गोवा उसको उगाने बेटा? मेहताब यूपी पूछ रहा है। इसका करेक्ट आंसर है यूपी। शायद आपको नहीं पता कि शुगर बाउल ऑफ इंडिया, शुगर बाउल ऑफ इंडिया यूपी को बोलते हैं हम लोग, शुगर बाउल ऑफ इंडिया हम यूपी को बोलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने के चांस होते हैं, आप छोड़ रहे हो, आप गलती कर रहे हो, बाद में पछताने वाले हो। शुगर बाउल इंडिया का यूपी है तो वर्ल्ड का कौन सा है? शुगर बाउल इंडिया का यूपी है तो वर्ल्ड में कौन सा है? शुगर बाउल इंडिया में यूपी है तो वर्ल्ड में कौन सा है? कौन सा कंट्री को बोलते हैं वर्ल्ड में शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड? मणिपुर गलत है बेटा आंसर। परस क्या आंसर कर रहा है यार तू? तुझे पता है मुझे गुस्सा तेरे पे क्यों आता है? बिकॉज तेरे से मुझे होता है होप, उम्मीद होती है कि तू वहां सही करेगा, और तू ही गलत कर रहा है आंसर। वर्ल्ड का शुगर बाउल किसको बोलते हैं? ऑप्शन ले लीजिए, साइप्रस, क्यूबा, रशिया, यूके। साइप्रस क्यूबा रशिया यूके। बेटा मैं आपको एक सबको बात बताना चाहूंगा, आप मेरी एक बात सुनिए। जो जो क्विज के लिए इंटरेस्टेड है ना, जो क्विज के लिए इंटरेस्टेड है, व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस लगाएंगे हम लोग। व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस चल रहा है आजकल, हम लोग व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस लगाएंगे। मेरे को मैसेज कर देना सर हम क्विज के लिए हैं, हम व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस लगा के वहां पे क्विज खेलेंगे। अगर यहाँ पे इतनी दिक्कत आ रही ना आप लोगों को किसी को बाकी लोगों को रिप्लाई करने में, तो हम वहां जो इंटरेस्टेड है सर वहीं आए बेटा, बाकी चले जाए। कोई कह रहा आपको यहाँ बैठने को? कोई भी नहीं कह रहा। क्यूबा इसका करेक्ट आंसर है। क्यूबा की कैपिटल है हवाना। क्यूबा की कैपिटल है हवाना, तो याद रखना, ठीक है? क्यूबा कैपिटल हवाना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी पहली कंट्री जिसने सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया। ऐसा पहला कंट्री जिसने सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया। ऐसी पहली कंट्री जिसने सारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया। आंसर आने शुरू हो गए, लग्जमबर्ग। सही आंसर है, लग्जमबर्ग कैपिटल लग्जमबर्ग सिटी है। ये दुनिया की सेकंड रिचेस्ट सिटी है आफ्टर कतर। याद रखना, ठीक है? याद रखिएगा, गलती मत कर लीजिएगा, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन ध्यान से दिमाग लगा कर करना। आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल।
आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पहला नाम क्या था? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पहला नाम क्या था? आईसीसी का पहला नाम क्या था? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का पहला नाम क्या था? कम ऑन आंसर। इंपीरियल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्रिकेट। ठीक है, वेट करो, मैं बाकी आंसर का वेट करता हूं। इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ क्रिकेट। इंपीरियल काउंसिल ऑफ क्रिकेट, इंपीरियल काउंसिल ऑफ क्रिकेट। ठीक है, आईसी का पहला नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ क्रिकेट। अच्छा चलो, अगला क्विज का क्वेश्चन है, बड़ा इजी है, ध्यान से दिमाग लगा के आंसर करना, गलती ना करना। क्वेश्चन बड़ा इजी है, क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। अगर मैं बात करूं अपने इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया में जो आपकी सबसे बड़ी स्टेट है पॉपुलेशन वाइज वो है यूपी। इंडिया में सबसे बड़ी स्टेट है जो पॉपुलेशन वाइज वो है यूपी। सेकेंड कौन सी है? सेकेंड कौन सी है? सेकेंड कौन सी सबसे बड़ी स्टेट है पॉपुलेशन वाइज? वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। महाराष्ट्र आंसर आना शुरू हुआ है, कोई लोग बिहार भी कह रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका है, यस, आंसर इज महाराष्ट्र। आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र इज करेक्ट। चलिए ध्यान से आंसर कीजिएगा। आपको पता मालवा रीजन, मालवा रीजन पंजाब में है ना? मालवा रीजन पंजाब में है। मालवा रीजन पंजाब के अलावा किस स्टेट में है? मालवा रीजन पंजाब के अलावा किस स्टेट में है? मालवा रीजन पंजाब के अलावा किस स्टेट में है? मैं देता हूं आपको ऑप्शन, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, यूपी। इसका आंसर जो है मध्य प्रदेश है बेटा, इसका आंसर जो है वो मध्य प्रदेश है, गलती ना करना, इसका आंसर मध्य प्रदेश है। चलो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन आंसर कर पाता है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, छबार पोर्ट कहां पे है? ऑप्शन ईरान, इराक, इज़राइल, इंडिया। छबार पोर्ट कहां पे है? इराक, ईरान, इज़राइल, इंडिया।
इसका जो करेक्ट आंसर बेटा नोट कर लेना वो है ईरान, ठीक है? सबने ऑलमोस्ट सही कहा है, ईरान इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा बट ध्यान से आपको आंसर करना है, गोबी डेजर्ट कहां पे है और किस कॉन्टिनेंट में है? गोबी डेजर्ट, गोबी, गोबी डेजर्ट कहां पे है और किस कॉन्टिनेंट में है? एशिया में कहां पे है? एशिया करेक्ट आंसर है, एशिया इज करेक्ट आंसर, बट एशिया में कहां पे? एशिया इज करेक्ट बट एशिया में कहां पे है? ओके, ये मंगोलिया में है, ये मंगोलिया में है, अफ्रीका नहीं है, एशिया ही है, मंगोलिया में है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, सिबिल, सी आई बी आई एल, सिबिल क्या होता है? सी आई बी आई एल, सिबिल इज व्हाट? सी आई बी आई एल, सिबिल इज व्हाट? सिबिल क्या होता है? कहते हैं आपका सिबिल खराब हो जाए ना तो आपको लोन नहीं मिलता, फिर आपका सिबिल खराब हो गया तो फिर आपको लोन नहीं मिलता। सो मैं बताता हूं आपको, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगर आपका सिबिल खराब हो तो आपको लोन नहीं मिलता, याद ना, ठीक है? लोन मिलने के चांस कम होते हैं आपके, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, याद ना। क्वेश्चन बड़ा इजी है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? What is the currency of Indonesia? Easy question, currency of Indonesia. जो क्वेश्चन बोल रहा हूं सारे रिपीट हुए हुए हैं तो गलती ना करना, छोड़ गई सबको, कहीं पे लिख लेना या मार्क कर लेना दिमाग में, ठीक है, लिख लेना या फिर छोड़ना ना। तो रुफिया करेंसी है, सही आंसर है, रुफिया करेंसी है, सही आंसर है, इंडोनेशियन रुफिया। गुरु डोंग मार लेक, गुरु डोंग मार लेक, गुरु डोंग मार लेक जो है वह इंडिया के किस स्टेट में है? गुरु डोंग मार लेक, ऑप्शन असम, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय। सिक्किम करेक्ट आंसर है इसका, सिक्किम करेक्ट आंसर है, असम नहीं है, सिक्किम इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन है आपका यंगून, यंगून स्टॉक एक्सचेंज किस कंट्री का है? यंगून स्टॉक एक्सचेंज किस कंट्री का है? यंगून स्टॉक एक्सचेंज किस कंट्री का है?
देन व्हाट बेटा, तो भैया फिर क्या हुआ, आप कश्मीर से हो तो कोई बात नहीं है, कौन सी बड़ी बात है बेटा, अगर आप कश्मीर से हो तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, म्यांमार करेक्ट आंसर है। आपको पता ही होगा बेटा म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था, और बर्मा को बेटा वेरी गुड, यंगून उसकी कैपिटल यंगून थी, तो इसलिए वेरी गुड, जिन्होंने गैस किया था बड़ा अच्छा किया। और ताबिया बेटा आप क्या बोल रहे हो, आप कश्मीर से हो फिर क्यों कश्मीर से हो तो। चलिए इजी क्वेश्चन, हरसिमरत कौर बादल की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, हरसिमरत कौर बादल की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, हरसिमरत कौर बादल की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, बिल्कुल तो आंसर आ गया बठिंडा, बठिंडा बिल्कुल सही आंसर है, बठिंडा इज द करेक्ट आंसर, बठिंडा बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, जिन्होंने बठिंडा आंसर किया बिल्कुल सही आंसर किया है। मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान से करना, ताबिया तुम बेटा तुम लोगों तुमको ये चैनल कहां से मिला, तुम लोग मतलब कैसे ज्वाइन किया, तुम क्या स्टूडेंट हो हमारे, ये वैसे ज्वाइन कर रखा बेटा, अगर नहीं पता तो हम सिखा देंगे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, चाहे आप कश्मीर से रहें चाहे जहां मर्जी से रहें, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ओके सो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बेटा अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पे है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पे है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पे है, आंसर आने शुरू हो गए हैं, अजमेर, अजमेर इज द करेक्ट आंसर, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है बेटा। इसकी हिस्ट्री ये है कि इसको बनाया गया था ढाई दिन में, ये ढह गया था, ये ढाई दिन में ढह गया था, मतलब टूट गया था, इसको बोलते हैं ढाई दिन का झोपड़ा, ठीक है। अजमेर, अजमेर में दरगाह भी आप जानते होंगे, अजमेर में दरगाह भी आप जानते होंगे, अजमेर शरीफ को बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी है, राजा भोज एयरपोर्ट कहां पे है इंडिया में, किस स्टेट में है राजा भोज एयरपोर्ट, राजा भोज एयरपोर्ट कहां पे इंडिया में, राजा भोज एयरपोर्ट इंडिया में कहां पे है, सो आंसर है मध्य प्रदेश, आंसर है मध्य प्रदेश, आंसर है बेटा मध्य प्रदेश। एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ध्यान से करना, धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क, धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क कहां पे है, धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क किस स्टेट में है, तो बेटा जो इसका आंसर है वो है आपका राजस्थान, ठीक है, इसका आंसर राजस्थान है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।